हाँ गुरांश अभिषेक जरावर अभी ठीक है, नहीं रिदम। चलो देखते हैं कैसे करना है इसको सॉल्व, है ना। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखेंगे अभी। हमें पेरीमीटर निकालना है ना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला, अगर मैं पी का फॉर्मूला लिखूं, दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस प्लस ब्रेड्थ, राइट। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, वैसे तो चाहे ऐसे डाल दो, लेकिन अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं, चलो तुम जल्दी चमक जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ऐसे लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर मुझे डेल्टा पी निकालना है, डेल्टा पी विल बी व्हाट, डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा बी, ये आ जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, मतलब अगर सिर्फ टू बाहर लिखा होता तो 2 टाइम्स डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी हो जाता, है ना। ये हो जाता डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी, ये हो जाता, एक ही बात है। अब इनकी वैल्यूज डाल देंगे तो मेरे पास डेल्टा पेरीमीटर क्या आ गया, 2 टाइम्स डेल्टा एल कितना है 0.1, डेल्टा बी कितना है 0.3, विच इज 0.6 सेंटीमीटर मेरे पास इसका पेरीमीटर का डेल्टा, मतलब एब्सोल्यूट एरर इन पेरीमीटर आ गया, राइट। तो एब्सोल्यूट एरर वो 0.2 है, जीरो पॉइंट सॉरी थ्री हाँ, दिस इज 0.2, 0. कहाँ गया मार्कर, कहाँ गुम हो जाता है, 0.2, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो मैं, और पेरीमीटर की वैल्यू क्या आएगी, पेरीमीटर है 10, 2 टाइम्स 10 प्लस 20, विच इज 60। तो मैं लिख सकता हूँ इसमें पी को, तो देयर फोर पी को हम लिख सकते हैं 60 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर 60.0, मतलब 1 मिनट को, 60.0 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे भी 0.0 आएगा, इधर भी 0.0 था, इधर भी 0.0 था, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा फटाफट अब इसमें मेरे को रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकाल के भेज दो फटाफट। फाइंड आउट द रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। तुषिता नहीं, मिलन ये क्या भेजा है, अब ठीक है। मुस्कान का ठीक है 39, महक, महक पहला गलत है, दूसरा ठीक है। परसेंटेज, परसेंटेज के पीछे परसेंटेज डाल लो। रिया का ठीक है, अरे डिवाइड, अच्छे अरे डिवाइड तो कर देना आयुष इसको, ऐसा क्यों कर रहा है यार, 0.3/30, कट तो दे जो कटता है। प्रबल ना, परसेंटेज बड़ा है यार तेरा, कैंट है। अच्छा मुस्कान नहीं, ओके। अरे यार आंसर्स बहुत आ गए, आई एम मिसिंग द आंसर्स। ओके रिया, मिलन का ठीक था, सिमर का पहला ठीक था, आयुष ठीक है, प्रबल, मुस्कान 58 का गलत था, मंथन का ठीक है, जोरावर का ठीक है, अर्शिया का ठीक है, प्रतिका का नहीं, सिमर का ठीक है, आर्यन का ठीक है, निष्ठा का नहीं। अरे जीरोज में गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। रिया का ठीक है, मंथन का ठीक है, अभी सिमर का ठीक है, सरगुन का नहीं, गौरी मेहता ठीक है, महक का ठीक है, सुरभि, अरे नहीं, नाहिद,
चलो इधर देखेंगे अभी, ध्यान दो इधर, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। रिलेटिव एरर देखते हैं पहले। अरे रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे डेल्टा पी अपॉन पी आ जाएगा, रिलेटिव एरर क्या आ जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी। डेल्टा पी कितना है 0.6, और पी कितना है 60, डेल्टा पी 0.6 अपॉन 60, तो कितना आया ये 1/100, कितना आ गया 1/100, और परसेंटेज एरर कितना आएगा 1/100 इनटू 100 परसेंट, व्हिच इज 1%। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, p की वैल्यू 60.0 नहीं लेंगे इसमें? ओहो ले लो ले लो ले लो, कहाँ गया सर, फर्क तो पड़ जाएगा क्या? तो फर्क नहीं पड़ेगा फिर रिलेटिव एरर में, वो 1.1/10 नहीं हो जाएगा? क्यों, अरे हद होगी, नहीं होगा नहीं होगा सर। सर रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर की मीनिंग क्या होगा? जैसे हम एब्सोल्यूट एरर तो ये कहते हैं, जैसे हम दो क्वांटिटी का समेशन करेंगे तो फिर उनके ये आंसर आ सकते हैं, रेंज आ सकती है। मीनिंग मीनिंग इसका क्या है, मीनिंग ये है कि इसने ये बताया कि जो मेरे पास पैरामीटर आया ना, पैरामीटर आया उसमें कितनी परसेंटेज, देखो जो मीनिंग एब्सोल्यूट का है, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एरर का मीनिंग क्या है यहाँ पे, देखो एब्सोल्यूट एरर का मीनिंग क्या था यहाँ पे कि भाई पैरामीटर 60.0 है, पैरामीटर क्या है 60.0 है। अब पैरामीटर में 0.6 का ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब 59.4 से लेके 60.6 तक ये वैल्यू जा सकती है। तो ये तो हमने उसकी एक्चुअल सेंटीमीटर्स में बता दिया कि कितना ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर परसेंटेज में ऊपर नीचे बताना है तो 1% हो सकता है। ठीक है, और रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर वो रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर एक ही बात है, दे आर मोर ऑर लेस सेम। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चमक गया सबको, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? चलो क्वेश्चन लिखो, टेम्परेचर्स ऑफ टू प्लेसेस आर गिवन एज T1 इज T1 is 80.0 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इज 45.0 प्लस माइनस 1.0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइंड दी difference in temperatures of the two places, find the difference in temperatures of the two places। मिलन गौरी मेहता, आर्यन मेहता, अर्शिया, ठीक है तुम दोनों का, महक महक डिफरेंस, सिमर ठीक, सिमर नहीं, मंथन का सही है, जोरावर, सिमरन, अनाहिद, प्रबल, मुस्कान 58, गुरांश ठीक है सबका, लवप्रीत नहीं, मुस्कान 39, निष्ठा, तुषिता, हिमानी, सिमर ठीक है, रिया माइनस करना है, महक का ठीक है अभी, देवशी, गुरकर्मन ठीक है, कशिश नो,
याद रखना मैंने बोला था एरर्स हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। निवेदिता माइनस सिद्धार्थ, ये 6.5 कैसे कर दिया तूने? रिदम नहीं, सुरभि का ठीक है, आयुष आयुष ये क्या किया है? 69 डिवाइड बाय 2 है वो। लतिका का ठीक है, सुखमन का ठीक है, निवेदिता माइनस 80 में से 45 माइनस करेंगे 45 आएगा। क्या कर रही हो निवेदिता, ऐसी गलतियां करोगी टेस्ट में। सरगुन का ठीक है, अभी ठीक है, अभी तुमने एरर में गड़बड़ कर दी निवेदिता। अभी माइनस सही किया है। सिद्धार्थ ठीक है, वंशिका नहीं, चलो देखेंगे। ओके ध्यान देंगे, बाकी मैं आंसर्स नहीं पढ़ रहा अभी, जो भी रह गए बच्चों अपने मिला लो खुद ही। हमें फाइंड करना है t इज इक्वल टू t1 माइनस t2, ये फाइंड करना है ना। तो डेल्टा t क्या होएगा, डेल्टा t होगा डेल्टा t1 माइनस डेल्टा t2, राइट? सही लिखा है मैंने? यस नो? नो सर, प्लस होगा, एरर्स हमेशा प्लस होते हैं। बीच में कुछ यसर भी भेज रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग? एरर्स हमेशा प्लस होंगे यहाँ पे। डेल्टा टी वन प्लस डेल्टा टी टू, तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 प्लस 1.0, दैट विल बिकम 1.5, ठीक है जी। और टी क्या होगा, टी वन माइनस टी टू मतलब 80.0 माइनस 45.0, that will become 35.0 degree Celsius. तो मैं temperature को भी finally क्या लिख सकता हूँ, 35.0 plus minus 1.5 degree Celsius. बस खत्म कहानी, ठीक है जी। तो ये होता है रूल, इसमें प्लस और माइनस में ऐसे करना है आपको। अगर इसमें आपको परसेंटेज एरर पूछा होता तो क्या करते, परसेंटेज एरर फाइंड कर दो फटाफट, फाइंड आउट द परसेंटेज एरर। हाँ फ्रैक्शन में बता दो मेरे को, फ्रैक्शन में ही बता दो बस। हाँ ठीक है, प्रबल, मिलन, सिमर, गौरी, सिमरन, रिदम, अर्शिया नहीं, और मंथन उल्टा करता, तुषिता, गुरांश, लतिका, ठीक है। सबका ठीक है, ठीक है। अनुप्रीत गड़बड़, ओ महक पुठा करता, की करी जा रहे हो यार, सरगुन हदों की यार, क्या करके आ रहे हो तुम लोग, उल्टा क्यों कर रहे हो उसको? अरे डेल्टा टी बाई टी करो ना, हैं कहाँ गया महक? हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना है तुम लोगों को, रिलेटिव नहीं निकालना। अच्छा हंड्रेड से मल्टीप्लाई नहीं किया कुछ ने, हंड्रेड 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 से मल्टीप्लाई कहाँ गया पॉइंटर? हमें परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज इज इक्वल टू, परसेंटेज एरर इज डेल्टा टी बाय टी इनटू 100। Which is 1.5 divided by 35 into 100. तो आंसर क्या आ जाएगा, 30/7%, ठीक है जी। तो आंसर क्या आ गया, 30.7% आ गया। चलो तो ये तो कहानी थी किसकी, एडिशन सब्ट्रैक्शन की, राइट? अब हम चर्चा करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की।
ओके चमक गया सबको ये, कोई डाउट यहां तक? एनीवन एनी डाउट? चलो अब रूल नंबर टू हम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या फंडा लगाना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या है कि अगर मेरे पास x दे रखा है, a इंटू बी है ना, तो उस केस में जो डेल्टा, देखो इसमें क्या निकलेगा, सबसे पहले इसमें क्या निकलेगा, सबसे पहले हम निकालेंगे रिलेटिव एरर। क्या निकालेंगे? रिलेटिव एरर, व्हिच इज डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, ध्यान देंगे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। और चाहे x इज इक्वल टू मेरे पास a डिवाइड बाय b है, तब भी फॉर्मूला यही बनेगा, डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। तो दिस इज विच एरर, ये कौन सा एरर है? दिस इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, तो ये याद रखना कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में सबसे पहले, सबसे पहले क्या निकलेगा, सबसे पहले निकलेगा रिलेटिव एरर। इसमें पहले एब्सोल्यूट नहीं निकल सकता, इसमें कौन सा निकलेगा? रिलेटिव एरर निकलेगा, ये याद रखना है आपको, दिस इज रिलेटिव एरर। ठीक है, ऑब्वियसली परसेंटेज एरर हम ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, तो अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना है तो इसमें हम क्या कर देंगे, सिंपली डेल्टा एक्स बाय एक्स जो ऊपर से आया है इनटू 100%, और इधर भी वही हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाय एक्स इनटू 100%। डेल्टा एक्स बाय एक्स हम ऊपर से निकाल चुके हैं, राइट और अगर इसमें एब्सोल्यूट एरर निकालने को पूछ लिया आपको, क्या पूछा, अगर एब्सोल्यूट एरर पूछ लिया तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप में तो रिलेटिव ही निकलेगा, लेकिन अगर हमें एब्सोल्यूट पूछा है तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? डेल्टा एक्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इट इज डेल्टा एक्स बाय एक्स इनटू एक्स, है ना, डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स बाय एक्स इनटू एक्स लिख सकते हैं, विच इज एक्चुअली द रिलेटिव एरर इनटू एक्स। ठीक है, और एक्स की वैल्यू यहां पे क्या है? ए इंटू बी। एक्स की वैल्यू क्या है? ए इंटू बी। ठीक है, सिमिलरली इस केस में भी सेम ही होगा, ये इस केस में भी सेम है, बस एक्स की वैल्यू इधर ए इंटू बी है, इधर ए बाई बी है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, राइट ये कहां से आया उसकी जरूरत नहीं है, इसकी डेरिवेशन आती है वैसे डिफरेंशिएशन से, राइट अगर आपको किसी को जाननी है तो मैं बता देता हूं कि कैसे आती है, बट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट तो चलो मैं बता देता हूं, एक्स्ट्रा है विच इज नॉट नीडेड, राइट तो इसका वैसे तो आईआईटी लेवल पे जरूरत पड़ती है या ज्यादा से ज्यादा, मतलब मेंस में, नीट में कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट खैर लेट मी टेल यू कि अगर x इज इक्वल टू मेरे पास a इंटू बी है, ठीक है दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दूंगा, दोनों साइड आई विल डिफरेंशिएट, तो इधर क्या आएगा dx, इधर इधर यूवी रूल लगेगा, क्या लगेगा? रूवी रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा? यूवी रूल, तो इधर प्रोडक्ट रूल, हाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, a को बाहर रख लेंगे, b की डिफरेंशिएशन db, फिर b को बाहर रख लेंगे, ए की डिफरेंशिएशन डी ए, और दोनों साइड हम एक्स से डिवाइड कर देंगे पूरी पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को एक्स से डिवाइड कर दिया, एक्स की वैल्यू क्या है? ए इंटू बी है, तो क्या आएगा? ए इंटू डी बी प्लस बी इंटू डी ए डिवाइडेड बाय, एक्स की वैल्यू है ए इंटू बी, ए इंटू बी, यहाँ पे a a उड़ेगा, b b उड़ेगा, तो बचेगा क्या? d को मैंने लिख दिया डेल्टा, d क्या होता है? d याद है तुम लोगों को, व्हाट इज ddx, मतलब d क्या था वहां पे? चेंज था, अरे क्या था d, d क्या था? चेंज, तो
है ना, तो चेंज को मैंने डेल्टा लिख दो, डी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, इधर से क्या रहा है, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो दिस इज द डेरिवेशन, आपको जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। ये लिख लो फटाफट ऊपर, हाँ लिख लो गौरी मेहता, लिख लो तुम इसको, ये जो एक्स्ट्रा मैंने बताया है। अब बता ही दिया तुम लोगों को, इसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन भी करा दूंगा फॉर्मूले बाद में, ठीक है। एक बार ये टॉपिक, ठीक है, आयुष बंसल, एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग, इट इज, देख मैंने क्या किया इधर, आयुष बंसल इधर ध्यान देगा, मैंने क्या किया है, एक्स को डेल्टा एक्स बाय एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या था आयुष, रिलेटिव एरर था, एक्स हमारे पास ऊपर है ए इंटू बी, ठीक है, तो वहां से मेरे पास निकल आएगा। चलो इसके क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करो मेरे पास वही, डायमेंशंस ऑफ प्लेट आर, मतलब रेक्टेंगुलर प्लेट है, आर गिवन एज, इधर रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर प्लेट आर गिवन एज, तो उसी से अगर मेरे पास लेंथ दे रखा है वही ले लेते हैं, एग्जांपल 10 प्लस माइनस 0.1 एंड ब्रेथ ले लो मान लो 20.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। हमें फाइंड करनी है, फाइंड द नंबर वन परसेंटेज एरर इन एरिया, दूसरा एरिया, पहले परसेंटेज एरर इन एरिया फाइंड करना है, फिर एरिया फाइंड करना है। दोनों आंसर्स मुझे इकट्ठे चाहिए, चलो पहले ही भेज दो आंसर। तुषिता प्रबल मिलन सही है, नमन गलत है, लतिका परसेंटेज, सिमर सही है, रिदम नहीं, इनायत का सही है, गौरी नहीं, जोरावर का सही है, नहीं लतिका, सुखमन का सही है, मंथन नहीं, गुरकर्मन जिया सही है, बाकी जिनका परसेंटेज हो गया ना साथ में, आप मुझे एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड कर दो, फाइंड परसेंटेज एरर एंड एब्सोल्यूट एरर दोनों कर दो, एब्सोल्यूट एरर भी करना है। महक का सही है, कशिश का नहीं,
नहीं कहाँ गया जी आका, हाँ सही है कशिश नहीं महक का सही है, देवशी नहीं, अनाहिद का सही है, रुशबीर का सही है, वंशिका नहीं, सिमर का सही है, आर्यन का, आर्यन परसेंटेज एरर गलत है मुस्कान का सही है परसेंटेज एरर, मुस्कान परसेंटेज एरर सही है, आयुष नहीं, निष्ठा का सही है, वंशिका का सही है, निवेदिता नहीं, निवेदिता अरे तुम लोग ना 100 से मल्टीप्लाई करना भूल रहे हो, बहुत बच्चों ने मुझे आंसर 1/50 भेजा है, 3-4-5 बच्चों ने भेजा 1/50 आंसर, ठीक है 100 से मल्टीप्लाई करना होता है साथ में परसेंटेज निकालने के लिए, मंथन नहीं, गौरी नहीं, आयुष का ठीक है, जिया का एब्सोल्यूट ठीक है, गुरकर्मन एब्सोल्यूट नहीं, वंशिका का ठीक है, मिलन नहीं एब्सोल्यूट गलत है, मिलन रिदम ठीक है, रिदम का, इनायत का ठीक है, प्रबल का ठीक है, निवेदिता का ठीक है, आर्यन का ठीक है, खुशबीर का परसेंटेज ठीक है, कशिश नहीं, जोरावर का ठीक है एब्सोल्यूट, सरगुन का परसेंटेज ठीक है, ऋतिका नहीं, अनाहिद अनाहिद एरिया 1/50 और एब्सोल्यूट एरर 4 गलत है, मतलब दिस इज नॉट करेक्ट, एरिया क्या लिखा है, गुरांश ठीक है, परसेंटेज अंतरा परसेंटेज गलत है, मुस्कान एब्सोल्यूट ठीक है, नमन एब्सोल्यूट गलत है, कुशल एब्सोल्यूट गलत है, चलो देखते हैं सर रिलेटिव और परसेंटेज भेजा मैंने, किसने, कुशल ने, यस सर, कुशल रिलेटिव नहीं पूछा मैंने, एब्सोल्यूट पूछा है और परसेंटेज पूछा है, ओके निष्ठा एब्सोल्यूट ठीक है, निवेदिता एब्सोल्यूट नहीं गलत है, सरगुन एब्सोल्यूट ठीक है, सुरभि ठीक है, गुड है चलो देखते हैं, गौरी का ठीक है, निवेदिता एब्सोल्यूट, चलो इधर देखो पहले, अब ध्यान दो इधर, स्टॉप सेंडिंग द आंसर्स नाउ, हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो क्योंकि यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेड्थ है तो यहाँ पे इनटू वाला मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला है, तो क्या लगेगा सबसे पहले कौन सा एरर आएगा बोल के बताओ फटाफट, कौन सा एरर आएगा सबसे पहले, रिलेटिव एरर आएगा, हम इसमें वो नहीं निकाल सकते, क्या बोलते हैं उसको, एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते पहले, पहले कौन सा आएगा रिलेटिव, तो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है, अब डेल्टा एल कितना है 0.1 डिवाइड बाय डेल्टा नहीं बी, डेल्टा एल 0.1 है और एल कितना है
10.0 प्लस डेल्टा बी कितना है 0.2 यस और बी कितना है 20.0 देखो ये कितना देखो ऊपर ये ना पता क्या किया करो तुम लोग ऊपर से पॉइंट हटाया करो पहले तो इसको लिखो 1/100 आ गया और दूसरा भी 1/100 आ जाएगा मतलब 2/200 आएगा ये तो व्हिच इज 2/200 लिख देता हूं चलो ये कितना आ जाएगा 1/100 प्लस 1/100 दैट इज 2/100 ठीक है तो मेरे पास डेल्टा ए बाय ए जो है वो आ गया 2/100 तो अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है परसेंटेज निकाल लेते हैं परसेंटेज के लिए मुझे क्या करना है परसेंटेज क्या होता है डेल्टा ए बाय ए इनटू 100 तो डेल्टा ए बाय ए ऊपर पड़ा है 2/100 परसेंट आ गया इनटू 100 व्हिच इज 2% यस तो ये मेरे पास इसका परसेंटेज एरर आ गया नाउ अब मुझे निकालना है एब्सोल्यूट एरर अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है एब्सोल्यूट एरर क्या होता है डेल्टा एक्स अपॉन तो वो कैसे आएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इनटू एक्स यस डेल्टा ए बाय ए इनटू ए डेल्टा ए बाय ए इनटू ए अब डेल्टा ए बाय ए कितना है डेल्टा ए बाय ये रहा 2/100 कितना है 2/100 ये वैल्यू मैंने यहां से उठा के इधर डाल दी इनटू अब एरिया की वैल्यू कितनी है एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ व्हिच इज 10 इनटू 20 व्हिच इज 200 इसको मैं इधर डाल दूंगा इज 200 तो ये कितना आ गया मेरे पास 4 एरिया की वैल्यू है 10 इनटू 20 व्हिच इज 200 तो यहां पे डाल दी मैंने वैल्यू तो अब एब्सोल्यूट एरर भी आ गया मेरे पास परसेंटेज एरर भी आ गया तो अगर मुझे एरिया को रिपोर्ट करना है आई विल राइट एरिया कितना है एरिया ए इज इक्वल टू इट इज 200 प्लस माइनस या तो 4 लिख दो प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और परसेंटेज में भी इसको रिपोर्ट कर सकते हैं दोनों तरीके से आ सकता है आपको ऑप्शंस देखो ऑप्शंस में मुझसे पता लग जाएगा आपको कि आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है परसेंटेज एरर निकालना है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बोथ आर करेक्ट ठीक है इसमें बोथ आर पॉसिबल ऑप्शंस देख के आपको पता लगेगा कि आपको कौन सा निकालना है ऑप्शंस में अगर परसेंटेज में देख लिया परसेंटेज एरर निकाल देना ऑप्शंस में आपको दिखा के एब्सोल्यूट है तो एब्सोल्यूट एरर निकाल देना ठीक है तो ये है चमक गया सबको क्लियर है कि नहीं है यस नो Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलो ठीक है सर वहां पर हम 2% ऑफ 200 नहीं लिखेंगे 2% ऑफ 200 प्लस माइनस 2% इनटू 200 2% ही तो लिखा है मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे यस सर हाँ यहाँ पे हमने 2% ही तो लिखा है नहीं इसका... मैं कह रहा हूँ सर कि इसके साथ हम मल्टीप्लाई 200 लिखने की जरूरत नहीं, नहीं 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 बिल्कुल नहीं जरूरत ही नहीं है 2% किसका ऑब्वियसली एरिया का ही 2% है और अगर लिख दें सर गलत है मतलब इट इज रिडंडेंट हाँ जरूरत ही नहीं है ना ऐसे लिख मतलब आज तक तो ना किसी बुक में देखा ना इट इज नॉट नीडेड एक्चुअली इट इज नॉट रिक्वायर्ड रिडंडेंट है बिल्कुल भी चलो अगला तीसरा रूल अब है हाँ 2% ऑफ 200 4 ही हो जाएगा ना तो यहाँ से भी निकालना चाहिए देखो यहाँ से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं 2% ऑफ 200 इज 4 2% ऑफ 200 इज 4 और 4 यहीं पे आया देखो यहाँ पे ठीक है जी चलो रूल नंबर 3 है पावर रूल रूल नंबर 3 है पावर रूल अब ये क्या कहता है
ये बोलता है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इनटू मान लो a रेस्ट पर p, b रेस्ट पर q, c रेस्ट पर माइनस r, ऐसा कुछ, ठीक है, एंड सो ऑन, कुछ भी जितनी मर्जी है. मेरे पास कोई फंक्शन है जैसे x इज इक्वल टू k इज कांस्टेंट, यहां पे k इज कांस्टेंट, k इज सम कांस्टेंट. तो इस केस में अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना, अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी सबसे पहले क्या निकलेगा, इसमें भी सबसे पहले रिलेटिव एरर ही निकलेगा. तो सबसे पहले क्या निकलेगा, रिलेटिव एरर. तो इसमें रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, अच्छा k कांस्टेंट है तो k में एरर होगा. Will there be any error in K? क्योंकि K constant है. No sir. There will be no error in K. क्योंकि K क्या है? Constant है. तो K को भूल जाओ. जब हम error निकाल रहे हैं, K को भूल जाओ कि है कुछ. भूल जाओ उसको. और बाकी जितने हैं आगे, उनमें सब वो सब variables हैं, उनमें measurements हैं. जिनमें measurements होंगी, उनमें errors होंगे. तो वो उनमें कैसे लिखना है? ये power को नीचे उतारना है हमें. क्या करना है? Power को नीचे उतारेंगे तो P into delta A by A. मॉडुलस, मतलब मॉडुलस लेना है क्योंकि प्लस हमें, क्योंकि एक्चुअली ऐड करने हैं हमेशा जिंदगी में एरर्स, हमें हमेशा ऐड करने हैं, भूल के भी माइनस मत कर देना. तो यहाँ पे आएगा प्लस क्यू टाइम्स डेल्टा बी बाय बी, फिर आएगा प्लस आर टाइम्स डेल्टा सी बाय सी. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव एरर. और बहुत ही प्यार से हम इससे परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं. परसेंटेज एरर डेल्टा एक्स बाय एक्स इनटू 100 परसेंटेज आ जाएगा. और अगर एब्सोल्यूट पूछा है वो भी निकाल सकते हैं. हाँ बिल्कुल आर्यन, आएगा ये भी डिफरेंशिएशन से. ठीक है, जरूरत नहीं है उनकी, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है डिफरेंशिएशन उतना. चलो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड में बता दिया तुम लोगों को. उससे बेस पे एक जेई का क्वेश्चन भी आया था, जेई तो एडवांस में, तो उसका क्वेश्चन करा दूंगा तुम लोगों को बाद में. चलो, और एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर इज डेल्टा एक्स. वो क्या होता है? डेल्टा एक्स अपॉन इनटू एक्स. बस This is what? This is relative error. थोड़ा सुपर करना. करता हूँ. तो relative error निकला हुआ है ऊपर, उससे उसको x से multiply कर देंगे, तो absolute error आ जाएगा. ठीक है? वैसे power functions में 90% cases में आपको percentage error ही पूछी जाती है, जितने भी questions हैं. लेकिन आपको आती है, हम निकाल सकते हैं बहुत ही आराम से, अगर absolute error निकालनी हो. formula वही है, फंडा वही है. Noted? Yes, sir. ठीक है जी. बस इसमें तुम लोग ये ध्यान रख लो कि ये एरर्स कभी माइनस नहीं करने, मतलब इसको लिख लो चाहे एरर्स आर ऑलवेज added. In propagation. ठीक है, errors are always